बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त के नाम का जिक्र होता है तो सबसे पहले उनके विवाद सामने आ जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त एक ऐसे अभिनेता के तौर पर रहे हैं जिनकी जिंदगी काफ़ी सुर्खियों भरी व विवादों भरी रही है। संजय दत्त ने जहां एक तरफ फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से सभी लोगों का मन मोह लिया और उन्होंने खूब वाहवाही लूटी, वहीं दूसरी ओर उनके विवादों ने भी खूब लाइमलाइट बटोरा। अब संजय दत्त ने अपने फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बेहतरीन फिल्में की हैं जिसमें उन्होंने कई शानदार किरदार भी निभाए हैं। हीरो से लेकर विलन तक के किरदार में संजय दत्त ने इंडस्ट्री पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। हर एक किरदार में वो पानी की तरह ढल गए। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक संजय दत्त की जिंदगी सुर्खियों भरी रही है। उनका नाम किसी न किसी वजह से विवादों से जुड़ता ही रहा है। वहीं उनके कुछ दोस्त उनके बाद में दुश्मन भी बन गए हैं और संजय दत्त के अगर दुश्मनों की लिस्ट अगर निकालेंगे तो सबसे पहले नाम सलमान खान का ही आएगा। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है और संजय दत्त सलमान खान को अपना छोटा भाई मानते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले ऐसा नहीं था। सलमान संग संजय दत्त की दोस्ती को ऐसे भूला भी नहीं जा सकता। दोनों ने कई सारी एक साथ सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी हैं। साथ ही संजय दत्त सलमान खान को अपना छोटा भाई भी मानते थे, लेकिन दोनों की दोस्ती पल भर में एक समय ऐसा भी आया था जब टूट गई थी। अब सलमान खान और संजय दत्त की अगर दोस्ती की तरफ नजर डालें तो तकरीबन 3 दशक ये दोस्ती पुरानी है। बताया जाता है कि जब संजय दत्त की सजा खत्म हुई और वो जेल से बाहर आए तो उन्हें लगा था कि सलमान खान उनसे वहाँ आएंगे मिलने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलमान खान ना तो संजय दत्त से जेल के बाहर मिलने आए, जिसके बाद संजय दत्त ने जेल से बाहर आने के बाद अपने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें सलमान खान नहीं पहुंचे। ये बात संजय दत्त को बहुत बुरी लगी और दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद एक प्रमोशन के दौरान संजय दत्त से सलमान खान को लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिसमें संजय दत्त ने सलमान खान को घमंडी इंसान बताकर सबको हैरान कर दिया था। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना था कि सलमान और संजय दत्त के बीच के झगड़े की वजह रणबीर कपूर थे। दरअसल एक वक्त था जब कैटरीना को लेकर सलमान खान डेट कर रहे थे, जिसके बाद कैटरीना सलमान खान को छोड़ रणबीर कपूर के पास चली गई थी। हालांकि आज तक दोनों के झगड़े की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं संजय दत्त की बायोपिक बनी तो सलमान खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसमें रणबीर कपूर उनका रोल निभाए, लेकिन संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर कपूर नजर आए। ये देख सलमान खान को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने संजय दत्त से दूरियां बना ली। इसी के साथ ही अगर इन दोनों सुपरस्टारों के अगर वर फ्रंट की तरफ नजर डालें तो संजय दत्त अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। भूज दी प्राइड ऑफ इंडिया, शमशेरा, KGF चैप्टर 2 और पृथ्वीराज ऐसी जो फिल्में हैं जिन फिल्मों में संजय दत्त अपनी अलग अलग भूमिकाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। KGF चैप्टर 2 और पृथ्वीराज में वो नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं और इन फिल्मों को लेकर इन दोनों काफ़ी ज़्यादा बज़ भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाईजान सलमान खान की बात करें तो ईद के मौके पर उनकी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज़ हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। इस फिल्म के कलेक्शन से सलमान खान को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। आने वाली अगर फिल्मों की तरफ नजर डालें तो अंतिम द फाइनल ट्रूथ, लाल सिंह चड्ढा, पठान और टाइगर 3 ऐसी फिल्में हैं जिसे लेकर सलमान खान काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं।